कुकर चढ़ गया जी। और कुकर चढ़ने का मतलब 80% लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आज रणवीर दाल बनाने वाला है ना। और बाकी 100% लोग सोच रहे होंगे रणवीर जब नीचे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। ड्रामा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रेसिपी जो ना स्पेशल स्पेशल इसलिए है क्योंकि जहाँ से आती है वो मेरे दिल के और भगवान के दिल के बहुत करीब है। उडुपी मठ से आई हुई रेसिपी उडुपी सांभर, यानी कि सांभर जिसमें ना अनियन है ना गार्लिक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। रेडी फॉर इट? मिलते हैं म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। ये गई तूर दाल। तो सांभर जो है ना वो बहुत एक इंटरेस्टिंग और स्पेशल डिश बिकॉज इसके नाम को लेके, इसकी हिस्ट्री को लेके कितनी सारी बातें होती हैं, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग हिस्ट्री है। लेकिन ये सांभर इसलिए स्पेशल है क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि सांभर जो है वो केरला का जो पालक्काड़ सांभर है ना उसको तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, नॉर्थ केरला का सांभर। लेकिन जब मैं पहली बार उडुपी मठ गया वहाँ पर, उसके बाहर जब मैंने सांभर खाया, फॉर मी इट वॉज आउटस्टैंडिंग। पूरी डेफिनेशन नो अनियन नो गार्लिक सांभर की मेरे लिए चेंज हो गई। और वो जगह भी स्पेशल है, स्पेशल इसलिए क्योंकि जब आप अपनी सेंसेस में होते हैं ना, जब आप सिर्फ एक चीज़ सोच रहे होते हैं, भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तब आपकी सारी सेंसेस जो हैं वो काम कर रही होती हैं ताकि आपको खाना समझ में आए और आप खाने की हर बारीकी समझते हैं। और वहाँ पर बैठ के जब मैंने सांभर की बारीकी समझी, मेरा इस सांभर के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने कहा अगर सांभर कभी बनाऊँगा मैं तो सबसे पहले यही वाला सांभर बनाऊँगा। एंड हियर आई एम। सबसे पहले ड्रमस्टिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय ड्रमस्टिक को लगेगा, और उसके बाद बाकी की सब्ज़ी भी डाल देंगे। अब मैं तो भिंडी नहीं डालना चाहता था, लेकिन एम कह लीजिए हमारी जो प्रोड्यूसर साहिबा हैं उन्होंने कहा भिंडी भी डालो, तो मैं भिंडी डाल रहा हूँ। भिंडी के पीछे क्यों झगड़ा करना, रात को घर पे खाना नहीं मिलेगा। अब सांभर हालांकि दक्षिण भारत में फेमस है, लेकिन जो कहानी है इसकी वो मराठा साम्राज्य से जुड़ी हुई। तो तंजौर या तंजावुर जो दक्षिण भारत में मराठाओं का ही समझ लीजिए एक तरह से केंद्र था, इन द प्राइम ऑफ द मराठा एम्पायर, वहाँ पर संभाजी जो शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे उनको आमटी खाने का मन हुआ। तंजावुर में पहली बार जब संभाजी को आमटी खाने का मन हुआ, उन्होंने सारी दालें ली, सब्जियां ली, और उसको महाराष्ट्र में आमटी जैसे दाल और सब्जियों के साथ बनती है वैसे बनाने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ पर उनके पास पूरे मसाले नहीं थे, दक्षिण भारत के मसाले थे, नींबू नहीं था, खटास के लिए कच्चा आम नहीं था, तो उन्होंने इमली डाल दी, वहाँ के लोकल मसाले डाल दिए, और जो बन गया वो सांभाजी के नाम पे उसका नाम सांभर रख दिया गया। ये तो कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और मैं लोगों को सुनाता भी हूँ। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि सिर्फ 350 साल पहले कोई ये सोचेगा कि दाल और सब्जियाँ एक साथ पकाई जा सकती हैं मसाले डाल के। तो सांभर का जो ओरिजिन है वो बहुत पुराना है। संगम लिटरेचर में भी ये दाल और सब्जियों के मेल का मेंशन है। आज की डेट में भी बहुत सारे पुराने तमिल ब्राह्मण्स जो हैं, जब पूर्वजों की पूजा होती है तो आज की डेट में भी वो सांभर बनाते हैं। तो सांभर एज अ रेसिपी, एज अ कॉन्स्ट्रक्ट, दक्षिण भारत की संस्कृति जितना पुराना है। हाँ, सांभाजी ने उसको नाम दे दिया और एक बढ़िया सी कहानी दे दी ताकि एक दिन मैं आपको बैठ के वो कहानी सुनाऊँ, ये हो सकता है। चलिए डन, दाल को सीटी लग गई। अब क्या रह गया, मसाला बनाना। अभी मसाले का जो फॉर्मूला है आपको एक प्लेट पे दिखाता हूं। 3 भाग धनिया, 1 भाग जीरा। अब अगर गोटा उड़द है तो गोटा उड़द इस्तेमाल करें, नहीं तो ये धुली उड़द। 2 भाग उड़द दाल, 1 भाग चना दाल, और 1/2 भाग मेथी और लाल मिर्च। तो ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तेल में ये गई सारी दालें और सारे मसाले। अगर चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तेल में क्या है ना, एक तो जलने का चांस कम हो जाता है, भूनना इजी हो जाता है, दूसरा फ्लेवर अच्छे से निकल के आता है।
दाल और मसालों के जब भुनने की खुशबू आ जाएगी ना, उसके बाद डालेंगे हींग। हींग बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी कुछ नो ऑनियन नो गार्लिक बनाना है ना, तो हींग ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाइस। और अब इसके बाद गया नारियल। गैस करी बंद और थोड़ा सा पानी ताकि कुकिंग रुक जाए और पेस्ट बनाने में आसानी हो। हेलो जी, आ जा रहा है जी सांबर मसाले का पेस्ट। मैजिक मिक्सी। मैं आपको मोटा मोटी राज्यों के सांबर और उस राज्य के सांबर की क्या विशेषता है उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, सांबर सबसे पहले दो किस्म का होता है। एक सांबर जो टिफ़िन में खाया जाता है, टिफ़िन यानी कि नाश्ते में इडली के साथ, वड़े के साथ, डोसे के साथ। और दूसरा सांबर होता है जो सांबर सदम यानी कि चावल के साथ खाया जाता है। जो टिफ़िन वाला सांबर होता है वो कम तीखा होता है और उसके फ्लेवर्स जो हैं वो जनरली थोड़े माइल्ड होते हैं, टैंगी कम होता है। बिकॉज आप अगर वड़ा खा रहे हैं तो वड़े का टेस्ट आना चाहिए, अगर आप डोसा खा रहे हैं उसका टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि चावल न्यूट्रल है। इसलिए चावल के साथ खाया जाने वाला सांबर तीखा होता है, उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं और तूर दाल से ही बनता है। सुबह का सांबर उसमें थोड़ी बहुत मूंग दाल वगैरह भी पड़ सकती है। उसके बाद केरला से शुरू करते हैं। केरल के सांबर में आपको हमेशा थोड़ा सा नारियल मिलेगा, चाहे वो नारियल पेस्ट बना के डाला गया हो या फिर नारियल के तेल में तड़का दिया गया हो। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु के सांबर की खास विशेषता है इमली का प्रयोग। तो तमिलनाडु का जो सांबर है वो टैंगी रहे। आंध्रा सांबर सबसे तीखा सांबर होता है बिकॉज उसमें वो गुंटूर की आंध्रा मिर्ची पड़ती है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक का जो सांबर है, क्योंकि कर्नाटक में बेलगांव, हुबली इन एरियाज में गन्नों का प्रयोग, गन्नों की खेती बहुत ज़्यादा है, इसलिए कर्नाटक का सांबर जैसे उडुपी का सांबर, मैंगलोर का सांबर, ये सांबर थोड़ा उसमें हल्की सी मिठास जाती है और हल्का सा सिनेमन जाता है। तो मोटा मोटी अगर दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों को मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो ये उनके अलग अलग किस्म के सांबर हैं। लेकिन ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगराइजेशन। और बैगन और भिंडी के अंदर ये गई हमारी दाल। सब्जी का पानी बनाकर उसके अंदर दाल डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जी को दाल के अंदर प्रेशर कुक करने से कुछ नहीं होता। सब्जी अपना फ्लेवर छोड़ के जो स्टॉक बनाती है ना, दाल को स्टॉक में पकना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज व्हेनेवर यू मेकिंग सांबर, प्लीज कुक द वेजिटेबल्स सेपरेटली। ओवर कुक दाल है तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैश कर लेते हैं उसको। थोड़ा पानी, तो इमली को पानी में सोख करके रखा है। पानी में सोख करने के बाद उसको छन्नी में से अच्छे से निकाल लिया। सो बेसिकली ड्राई टैमरिंड सोक्ड इन वार्म वाटर एंड देन स्ट्रेन्ड, और उसका जो पल्प है वो डाला है मैंने खटास के लिए, और मिठास के लिए डालूंगा गुड़। और अब सांबर मसाला, जो पेस्ट हमने बनाया था वो पेस्ट। अभी जी इसको करें साइड और बनाएं तड़का। तड़के के लिए कड़ी पत्ता, ड्राई रेड चिली, मस्टर्ड सीड्स और हींग। ड्राई रेड चिली हो गई, हींग हो गया और राई आ गई। राई, हींग, ड्राई रेड चिली, कड़ी पत्ता और हियर वी गो। और अंत में उडुपी सांबर का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट गुड़। तो अगर वो गुड़ का पाउडर है तो गुड़ का पाउडर यूज कर लीजिए, नहीं तो गुड़ को ग्रेट करके या चॉप करके डाल दीजिए। और अगर आपको यही सांबर अनियन गार्लिक के साथ बनाना है तो आप इस सांबर में प्याज डाल सकते हैं, छोटा वाला सांबर अनियन हल्का सा ऑयल में सौते करके उसको फिर सब्जियों के साथ उबाल सकते हैं। अब हो गया ये फुल्ली उडुपी सांबर। गैस करो बंद और
निकालो अपनी कटोरी। आई लाइक माई सांबर चंकी, मुझे ना बड़ी सारी सब्जियां दिखनी चाहिए उसके अंदर। तो इसमें अनियन गार्लिक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी श्रद्धा है और बहुत सारा प्यार है। श्रद्धा उड़ुपी मठ की और प्यार मेरी मठ की यादों का। डू ट्राई। यू नो, कुछ चीज़ें जो है वो जेनेटिक होती हैं। अब चाहे मैं आपको वीडियो में बोलूं कि भाई सांभार बोलते हैं, सांभार सांभर नहीं होता, लेकिन वो पंजाबी जीन जो है ना वो देखो अपना काम बीच में कर जाती है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, सांभार बोलिए, सांभार सांभार सांभार, लेकिन साथ में पता नहीं कितनी बार मैंने सांभर बोल दिया। ये देखिए, उड़ुपी मठ से आई हुई रेसिपी उड़ुपी सांभर, यानी कि सांभर जिसमें ये सांभर इसलिए स्पेशल है क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि सांभर जो है वो नो अनियन नो गार्लिक सांभर की मेरे लिए चेंज हो गई। और वहाँ पर बैठ के जब मैंने सांभर की बारीकी समझी मेरा इस सांभर के लिए, मैंने कहा अगर सांभर कभी बनाऊंगा मैं सबसे पहले यही वाला सांभर बनाऊंगा। और अंत में उड़ुपी सांभर का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट अब हो गया ये फुल्ली उड़ुपी सांभर। देखिए, कोशिश करिए बनाते समय सांभर बोलने की, अगर फिर भी सांभर निकल रहा है रेसिपी फॉलो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सांभर बनाइए, सांभर सांभर सांभर।